दोस्तों, हमारे इस चैनल में हमने इससे पहले भी दुनिया के कई देशों के कुछ मजेदार और चौंका देने वाले फैक्ट्स को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। और ये सारे वीडियोस सिर्फ आपको एंटरटेन ही नहीं करते, उसके साथ आपके ज्ञान की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ जो लोग दूसरे देशों में घूमना पसंद करते हैं, ये सारे वीडियोस उनके घूमने की चाह को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। और इसलिए हम आज भी एक ऐसा ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जहां पर हम बात करेंगे दुनिया के एक छोटे से आइलैंड कंट्री मालदीव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मालदीव, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मालदीव है, दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है जो अरब सागर में स्थित है। ये देश श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिमी छोर पर और एशिया महादेश के मेनलैंड से करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस देश में आपको करीब 26 एटोल देखने को मिलेंगे। आप में से जो लोग ये नहीं जानते कि एटोल क्या होता है, उन्हें हम बता देना चाहेंगे। एटोल का मतलब होता है कोरल रीफ। जब एक कोरल रीफ किसी लेक के चारों तरफ से घेर लेता है, तब उसे एक एटोल कहा जाता है। मालदीव में इतने सारे कोरल रीफ देखने को मिलते हैं कि जिस वजह से मालदीव को कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। क्षेत्र और पॉपुलेशन के हिसाब से मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव का कुल क्षेत्रफल है करीब 298 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की पॉपुलेशन है करीब 3,79,270 लोग 2020 के पॉपुलेशन एस्टिमेट के हिसाब से। मालदीव का सबसे बड़ा शहर और यहाँ की राजधानी का नाम है माले। इस माले शहर को किंग आइलैंड या फिर राजाओं का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि सदियों से ये शहर बहुत से साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही, लेकिन प्रशासनिक और अन्य कामों के लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसलिए इंग्लिश भी मालदीव का एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। इस छोटे से आइलैंड नेशन में सिर्फ एक ही एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं और यहाँ का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम, जिसे संविधान द्वारा चुना गया है। दोस्तों, 26 जुलाई मालदीव का एक राष्ट्रीय दिन है, क्योंकि 1965 के 26 जुलाई के दिन ही इस देश ने यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से स्वतंत्रता हासिल की थी। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस देश में कमाई का सबसे अच्छा जरिया टूरिज्म है, क्योंकि हर साल इस देश में घूमने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो इस छोटे से आइलैंड कंट्री में एक बार घूम के आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के नेशनल करेंसी का नाम मालदीवियन रूफिया है, इसलिए मालदीव में जाने से पहले इस मुद्रा को जरूर इकट्ठा कर लें। तो दोस्तों, अब तक मैंने मालदीव को लेकर सभी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर कर दी। आशा करते हैं मालदीव को लेकर आप सभी ने काफी जानकारी हासिल कर ली होगी। लेकिन मालदीव को और अच्छे से जानने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए, इस देश के बारे में और कुछ मजेदार इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नंबर एक, दोस्तों अब तक तो आपने ये बात जान ली है कि मालदीव एक आइलैंड नेशन है, लेकिन क्या आपको पता है ये देश करीब 1200 छोटे छोटे आइलैंड के सम्मिलित रूप से बना हुआ है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 200 आइलैंड ही इंसानों के रहने लायक है। बाकी के द्वीपों में किसी न किसी कारण से कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। और तो और, इनमें से 70 आइलैंड सिर्फ लग्जरी होटल या फिर प्राइवेट रिजॉर्ट के लिए रिजर्व है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मालदीव देश का कुल 99% हिस्सा ही जल भाग है और सिर्फ 1% हिस्सा स्थल भाग है। और इस वजह से यहाँ पर स्कूबा डाइविंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और ये देश स्कूबा डाइविंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसलिए आप कभी भी इस देश में घूमने के लिए गए तो यहाँ की स्कूबा डाइविंग का मजा लेना बिल्कुल मत भूलना। नंबर दो, दोस्तों मालदीव दुनिया का सबसे समानांतराल राष्ट्र है। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट का नाम है विलिंगली आइसलैंड, जो समुद्र भाग से करीब 8.9 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये देश औसत में समुद्र भाग से करीब 4.11 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर तीन, दोस्तों मालदीव दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपना एक कैबिनेट मीटिंग पूरी तरह से समुद्र के नीचे अरेंज किया था। असल में ये मीटिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में था और इसीलिए ये मीटिंग पूरी तरह से स्कूबा में अरेंज किया गया। दोस्तों, ये बात तो हमने अब पहले ही आपको बता दी कि मालदीव का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ पानी है और ये देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा बढ़ते वाटर लेवल से अगर किसी देश को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो देश मालदीव ही है। और इसी कारण इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ये मीटिंग स्कूबा में अरेंज की गई थी। नंबर चार, दोस्तों मालदीव दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इस देश में इस्लाम के कायदे कानून बहुत ही कठोरता से पालन किए जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ के किसी पब्लिक प्लेस में गए तो आपको ऐसे कपड़े पहनने होंगे जिसमें आपका पूरा शरीर ढका हो। और इस देश में आपको खुले बाजार में कोई भी शराब जैसी नशीली चीजें नहीं मिलेगी।
क्योंकि इस्लाम में शराब का सेवन करना मना है। लेकिन इसके साथ ही ये याद रखना जरूरी है कि ये मालदीव पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है, इसलिए यहाँ के लग्जरी होटल और रिजोर्ट में टूरिस्ट के लिए शराब उपलब्ध है। नंबर 5, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मालदीव में कुछ ऐसे आइलैंड है जिनका आकार बदलता रहता है। असल में कभी कभी कुछ आइलैंड के रेतीले हिस्से समुद्र के पानी में बह जाते हैं और फिर कुछ महीनों में वहां पर नई रेत आ जाती है, इसलिए इन आइलैंड का आकार भी बदलता रहता है। नंबर 6, दोस्तों मालदीव दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है जहां पर आपको साल भर व्हेल देखने को मिलेंगी, और तो और इस देश में व्हेल्स के लिए 3 संरक्षण केंद्र भी है। नंबर 7, दोस्तों मालदीव के ट्रेडिशनल नाव का नाम है दधूनी। दरअसल बहुत प्राचीन काल से इस देश के साथ चीन, अरब और भारत जैसे देशों का संपर्क था, और ये संबंध समुद्री यात्रा के द्वारा ही बना था, और ये नाव भी अरब के ट्रेडिशनल नाव जैसे ही दिखते हैं। सदियों पहले इन सभी देशों से बहुत सारे लोग मालदीव में जाकर बस गए थे, और इसलिए यहाँ के लोगों पर इन सभी देशों के कुछ न कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 8, दोस्तों मालदीव का एक और बड़ा आकर्षण है यहाँ के कोरल से बने घर। असल में मालदीव कोरल रीफ से घिरा हुआ एक देश होने के कारण यहाँ के लोग कोरल से घर बनाना पसंद करते हैं, और ये रिवाज यहाँ के लोगों में सदियों से चला रहा है, और ये यहाँ का ट्रेडिशन का एक हिस्सा भी है। लेकिन वर्तमान में कोरल रीफ को संरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं, इसलिए अभी कोरल से बने घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नंबर 9, दोस्तों मालदीव का ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बोदूबेरू। ये बोदूबेरू एक ड्रम बेस्ड म्यूजिक है। बोदूबेरू का मतलब है एक बड़ा सा तबला। असल में ये बोदूबेरू म्यूजिक एक दोस्ती की निशानी है। अफ्रीका महादेश के साथ सदियों से चली आ रही दोस्ती का एक निशानी है बोदूबेरू म्यूजिक। नंबर 10, दोस्तों अगर आप मालदीव में किसी को संडे पर काम करते हुए देखें तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। असल में बाकी दुनिया की तरह यहाँ पर रविवार के दिन छुट्टी नहीं होती, यहाँ पर सरकारी तौर पर शुक्रवार और शनिवार के दिन छुट्टी होती है। दोस्तों मालदीव के बारे में सबसे चौंका देने वाला फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों क्या आपको पता है मालदीव देश का निर्माण सदियों पहले एक भारतीय राजा ने किया था। जी हाँ दोस्तों, आज भी भारत के कई पुरानी किताबों में इस द्वीप राष्ट्र का उल्लेख आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था कि मालदीव एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, और अपनी छुट्टियों में दुनिया भर के लोग इस आइलैंड नेशन के प्राकृतिक सुंदरता का मजा लेने यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन उसमें भी बड़ी बात यह है कि मालदीव के लोग इन देश भर के टूरिस्ट लोगों को बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के सबसे टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर मालदीव को दिया है। क्यों दोस्तों, अब तो आपका एक बार मालदीव घूमने का मन बनता है। दोस्तों मालदीव की एक और विशेषता है यहाँ के नारियल के पैर। ये देश समुद्री किनारे स्थित होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पैर देखने को मिलते हैं, और ये पैर करीब 100 साल तक जीवित रहते हैं। इनके लकड़ी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि इनका इस्तेमाल धोनी नाव बनाने में किया जाता है। दोस्तों मालदीव समुद्री किनारे स्थित होने के कारण यहाँ पर कुछ पाबंदियां लगाई हुई है। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे मालदीव में आप 15वीं फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग नहीं बना सकते, और ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ करीब 98% लोग एजुकेटेड है। दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल भी आपको मालदीव में मिलेंगे। इसी वजह से ये देश हनीमून मनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। दुनिया के कई लोग अपना हनीमून मनाने के लिए इस देश में आते हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट की मात्रा भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों इस सुंदर से देश के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।